हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 2 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। यहाँ पर ब्रीफ में मेंशन किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए या उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि अगर कोई रिलीजियस पिलग्रिम आता है, रिलीजियस टूरिज्म आता है, हिंदू जैसे हिंदू पिलग्रिम जो है माता वैष्णो देवी या अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो लंबे टाइम तक जम्मू एंड कश्मीर में स्टे करें। लंबे टाइम इन द सेंस कि अभी एक दो दिन रहते हैं तो 2-4 दिन तक रहें, जम्मू एंड कश्मीर को एक्सप्लोर करें। और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर में इस बात में कोई डाउट नहीं है कि ह्यूज पोटेंशियल है, और अगर टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, अगर सब चीज़ें अच्छी रहती तो जम्मू एंड कश्मीर गेम चेंजर हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री के मामले में। तो उसी परस्पेक्टिव में स्पेशल पैकेजेस के साथ जो भी जैसे टूरिस्ट होते हैं और इसके अलावा जो टूर को ऑर्गेनाइज करते हैं उन सब के बीच में और सरकार, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है ताकि लंबे टाइम तक वो स्टे करे। लेकिन आज के द हिंदू के फ्रंट में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले GST के बारे में और उसके बाद लीड जो टॉपिक होगा वो होगा 5G टेक्नोलॉजी है क्या, क्या एप्लीकेशन, उन सब के बारे में। सबसे पहले एक न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया कि सितंबर महीने का GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका टोटल कलेक्शन जो है 1,47,686 करोड़ रुपये हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना इंक्रीज हुआ, कितना ये नंबर है। हाँ, ये अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मंथली डेटा कितना है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, ये लगातार 7वां ऐसा महीना है जब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा की एक तरीके से कलेक्शन हुआ है, और जुलाई 2017 में जब इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया था तब से लेकर ये 8वीं बार ऐसा हुआ है कि देश में GST का जो कलेक्शन है ये 1,40,000 क्रॉस करके गया हो। अब बात करते हैं GST के बारे में कि GST बेसिकली है क्या और कैसे ये काम करता है, क्या इसके अंदर मेन एजेंडा होता है। 2006 के अंदर जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था तब एक आइडिया रखा गया था कि भाई 1 अप्रैल 2010 को हम GST लागू कर देंगे, यानी टारगेट बहुत पहले से सेट किया गया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, और फाइनली ये जो है अगस्त 2016 के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको एनेक्ट किया गया। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है और एक होता है किसके द्वारा ये पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और एक्ट में डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, देखो बिल का मतलब होता है एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का की स्टार्टिंग होना, और एक्ट का मतलब है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जिसमें इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों के पार्टिसिपेशन के बाद फाइनली वो कानून में बदल जाता है। यानी बिल से एक्ट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू देश में GST को लागू कर दिया गया, और इसके बाद 1 जुलाई 2017 को फाइनली ये पूरे देश के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके बारे में डिस्कस किया गया। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या, तो आर्टिकल 366(12)A के अंदर मेंशन किया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब है कि जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज हो, इनके ऊपर टैक्स लगेगा। इनमें दोनों पर भी लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्शन, जैसे अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जो GST के दायरे में नहीं है उसके बारे में भी बात करेगी। जब देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था तो बहुत सारे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट वाली जितनी भी कंट्री है इनके साथ कंसल्टेशन किया गया। दुनिया भर में जहाँ पर भी वैल्यू एडेड टैक्सेस GST लागू था, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इन सब के साथ कंसल्टेशन किया गया, उनके लॉज जो हो उनको स्टडी किया गया, और उसके बाद देश के अंदर इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। कब पास किया गया कब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके की फीचर में अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट ज्यूडिक्शन होगा, यानी स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट को आर्टिकल 246(a) के अकॉर्डिंग, सेंटर लेवी कर सकती है आर्टिकल 269(a) के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्लोज है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो, 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू हुआ था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लोज इसके अंदर रखा था कि अगर 5 साल तक, यानी 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 तक, अगर स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में नुकसान होता है GST लागू होने की वजह से, तो अगले 5 साल 2017 से 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। इसके बारे में डिस्कस किया गया।
कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्टेड है। सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, इन सबको मिला के GST बना दिए। बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पर मेंशन है, लेकिन मेन जो टैक्सेस आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे सेंट्रल लेवीज में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स के लेवीज के अंदर अगर हम बात करते हैं, वेट हो गया, लग्जरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और ऑक्ट्रॉय। GST में GST के अंदर सेंट्रल GST हो सकता है, स्टेट GST या UT GST हो सकता है, या इंटर स्टेट GST, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें कुछ अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी भी है, जैसे कुछ चीज़ें एग्जेम्प्टेड है जो अभी भी GST से बाहर है, जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, शराब अभी भी बाहर है क्योंकि उस पर टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसमें क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी जो एयरप्लेन के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो अभी भी इससे बाहर है। टोबैको पर अभी भी GST नहीं लगता, GST से बाहर है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे 11th और 12th शेड्यूल के अंदर जो मेंशन किया गया, ग्राम पंचायत हो या फिर अर्बन लोकल बॉडीज, उनके द्वारा जो टैक्स इम्पोज किया जाता है वो अभी भी इससे बाहर है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है GST काउंसिल, आर्टिकल 279A के अंदर। इसको चेयर करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो चेयरपर्सन जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स के, और मेंबर में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। देखो, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अगर वर्ड यूज़ किया गया तो कैबिनेट मिनिस्टर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मेंशन होता है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सारी, जनरली आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो, स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री होते हैं उसमें विभाग शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ही छोटी मिनिस्ट्री होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल मिनिस्ट्री। फाइनेंस हो गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री होती है, उनमें असिस्ट करने के लिए फाइनेंस उनके एक तरीके से मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं, और इसमें सभी राज्यों के फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं। कोरम का मतलब होता है कि भाई मीटिंग में जो टोटल मेंबर उसके 50% होने चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वेटेज दिया गया, सेंटर को 1/3 दिया गया, 75% डिसीजन से एक तरीके मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, और GST काउंसिल को पावर होगी कि जो भी लॉज है, रूल्स है, रेट्स, इनके अंदर वो बदलाव कर सकती है, राइट। अभी तक अगर हम देखते हैं GST के लिए बेसिकली 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28% और बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्टेड में। कई बार कुछ एग्जामिनेशन मैंने देखा कि 0% को भी स्लैब में काउंट किया, एक्चुअल में 0% स्लैब नहीं है, वह एग्जेम्प्टेड के अंदर आती है, और कोई एग्जेम्प्टेड होता तो उसको स्लैब में काउंट करना, अगर इस PPT के अकॉर्डिंग देखें तो वो सही नहीं है। और अभी इन दो स्लैब जो 12 और 18% इनको मर्ज करके 15% करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है। तो ये बेसिक सा आइडिया होगा आपको कि GST होता क्या है, GST कैसे काम करता है और GST काउंसिल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, हमने बात करी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी हमने ऑब्जर्व किया कि वो GST के बारे में है। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि अब तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनके टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, कितने हुए हैं, ये नंबर आपको एग्जैक्ट बताना। और पिछले 2-3 अगर आप देखेंगे, अगर आप 101 के बाद 102, 103, 104, 105 इस तरीके सीक्वेंस में अगर आप बताना चाहें तो वो उनकी थीम क्या है, यानी पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के बारे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इनके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। सिर्फ उसकी थीम बतानी है, उसके बाद डिटेल नहीं बतानी है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, यहाँ पर डिस्कस किया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने 5G सर्विसेज को लॉन्च किया देश के अंदर, और आने वाले टाइम में हम देखेंगे 5G सर्विसेज पूरे देश के अंदर अलग अलग फेजेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी। और 5G को लेकर जो 3 मेजर कंपनी है जिसमें Jio लीड कर रही है, इसके अलावा हम देखते हैं कि VI हो या फिर Airtel हो, इवन अडानी ग्रुप ने भी कुछ ऑक्शन में पार्टिसिपेशन किया है। तो इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया कि 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एक न्यू इरा के थ्रू में एंटर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्योंकि 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी की जो इस्तेमाल होगा उसमें मेन चीज़ होता है अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट, और जब हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सेस होगी तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि 5G के एप्लीकेशन क्या, मेन चीज़ होती है 5G की एप्लीकेशन, ये सबको पता है कि 4G से 5G का मेन मकसद होता है स्पीड, और अगर स्पीड में हम बूस्टअप कर पाएँ तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा।
तो आने वाले टाइम में कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अलग अलग सेक्टर के लिए, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी का जो मेन, अगर हम देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी की एक तरीके से जो अप्लीकेशन है वो वाइड रेंज में कवर करती है, जिसमें फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे रिटेल से लेकर एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एंटरटेनमेंट है, स्मार्ट होम से लेकर हेल्थ केयर है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि मोबाइल इसमें बहुत एसेंशियल बन जाएगा। इसके अलावा रिसर्चर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट 5G के आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में ट्रिलियंस ऑफ जो अमाउंट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर या रुपी जो है वो रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ये अपने आप इंटरेस्टिंग होगी। 5G टेक्नोलॉजी का जो मेन मकसद है वो है स्पीड को इंक्रीज़ करना और लेटेंसी को, लेटेंसी का मतलब होता है डिले होना किसी चीज़ में, है ना, लेटेंसी को रिड्यूस करता है, स्पीड को बूस्टअप करता है, कैपेसिटी बूस्टअप हो जाएगी, लेटेंसी को रिड्यूस कर होगी, एनर्जी कंजप्शन जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिली, कॉस्ट, यूज़र डेटा रेट्स, ये कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस भी है, क्योंकि भाई कैपेसिटी को उसको पूरे इंडिया में लागू करना, लेटेंसी को रिड्यूस करना, एनर्जी कंज्यूम होगी, कॉस्ट भी लगने वाली है, कवरेज कंप्लीट करना, ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम बात करें इसमें मिली सेकेंड लेटेंसी आ जाएगी, डेटा रेट्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आप डेटा इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर स्पीड अच्छी खासी होगी। तो ये सब चीज़ों की वजह से 5G टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा 5G जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर सकता है, इसमें मेन होगा डाउनलोडिंग स्पीड, डेटा स्पीड को कहीं ना कहीं बूस्टअप मिलेगा, और वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अगर हम देखते हैं, जैसे ऑप्टिक फाइबर हो या फिर वायरलेस कनेक्शन हो, इनके थ्रू आने वाले टाइम में डेटा जो ट्रांसमिशन होगा या टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन, ये गेम चेंजर की तरह काम करेगा। यहाँ पर रिपीट में बताया गया कि लो लेटेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है 5G टेक्नोलॉजी का, मेन चीज़ है कि स्पीड आप जो बूस्टअप करेंगे और जो इसमें डिले होता है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, यही एक मेन इसका मकसद होता है। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करना, एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन को एक्सेस करना और पावरफुल टास्क को परफॉर्म करना, ये इसके थ्रू इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा एक यहाँ पर कंसेप्ट आता स्मॉल सेल कंसेप्ट, जिसकी वजह से हम 5G टेक्नोलॉजी के अंदर मल्टीपल एडवांटेज देखेंगे, जैसे बेटर सेल कवरेज है, मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र है, लो पावर कंजप्शन है और क्लाउड एक्सेस नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लाउड से आपको ट्रांसफ़र करी जाएगी डायरेक्टली, इमर्जिव एक्सपीरियंस होगा, रिमोट एक्सेस होगा, या एक तरीके से कनेक्टिविटी जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू होती है वो भी बूस्टअप होती हुई आपको नज़र आएगी। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी वाले जो गेम्स हैं, इसमें HD वीडियो के थ्रू जो है लो लेटेंसी होगी, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला, खासकर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। और 2022-23 का अगर आपने बजट पढ़ाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेक्टर के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इन पे फोकस किया है कि भाई इंडिया में भी गेमिंग सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूज पोटेंशियल जो क्रिएट करता है। एक गेम का एडिक्ट होना अलग चीज़ है, लेकिन गेम जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे फिजिकल हो, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस अगर वो लिमिट में होता है, ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हैं तो सिर्फ खेल रहे हैं, या तो आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, ये डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग जो है ये बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करता है एक दूसरे से, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, और चाहे वो डेटा कलेक्शन हो, प्रोसेसिंग हो, ट्रांसमिशन हो, कंट्रोल और रियल टाइम एनालिटिक्स, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्मार्ट होम की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता आने वाले टाइम में, जिसमें रिमोट लोकेशन हो, क्लोज सर्किट कैमरा हो, ये सारी चीज़ें हाई क्वालिटी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग में इस्तेमाल होगा, जैसे RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग में इस्तेमाल हो सकता है। पैकेजिंग एंड लेबल को ये एक्सेलरेट करेगा। स्मार्ट ट्रैकिंग डिवाइसेज होंगे जो एक्यूरेट मॉनिटर कर सकता है टेम्परेचर, शॉक, लाइट एक्सपोजर, ह्यूमिडिटी का। इसके अलावा रियल टाइम GPS लोकेशन होगी जो ट्रैक एंड रिपोर्ट करेगा। एफिशिएंट मॉनिटरिंग मिनिमाइजेज होगी जो कि थेफ्ट रिस्क और मिसप्लेसिंग ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। इसके अलावा रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग होगा, और सेल्फ ड्राइविंग कार जो आने वाले टाइम में होगी और ड्रोन्स, ये फ्यूचर गुड्स जो होंगे और डिलीवरी के। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में एनर्जी मैनेजमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, फ्लड मॉडलिंग हो, स्मार्ट लाइटिंग, प्रिडिक्टिव लिफ्ट मेंटेनेंस हो, इसके अलावा ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ों के अंदर गेम चेंजर रोल प्ले करने वाली, जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो,
इंस्टेंट वेदर अपडेट हो, लोकल एरिया हो, ब्रॉडकास्टिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, स्मार्ट पावर ग्रिड, स्मार्ट लाइटिंग, स्ट्रीट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें। इन सब के अलावा भी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सेम रिपीट किया गया है कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सेफ्टी, प्रोसेस ट्रैकिंग, स्मार्ट पैकेजिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक और एनर्जी मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके स्मार्ट फार्मिंग हो, जिसमें फार्मर्स अपने लाइव स्टॉक्स का एक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, इरीगेशन कंट्रोल के मामले में हो, एक्सेस कंट्रोल और एनर्जी मैनेजमेंट, ये वाला ध्यान रखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर और 5G टेक्नोलॉजी के साथ एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्लीट मैनेजमेंट में मदद करेगा, ट्रैक करना है उसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर एंड मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन के मामले में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो हेल्थ केयर है उसमें आपके रियल टाइम पे, क्योंकि हर जगह पर हॉस्पिटल, हर जगह पर अगर हम देखते हैं डॉक्टर्स होना पॉसिबल नहीं है, तो 5G टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर के अंदर या स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेज आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, जो स्मार्टली एनालिटिकल करेंगे और ओवरऑल आपको नेसेसरी हेल्प करेंगे थ्रू द इंटरनेट। ऑटोनमस ड्राइविंग आने वाले टाइम में एक तरीके से ड्राइवरलेस कार का जो फेज आएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही स्प्लिट टाइम में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उसके अंदर सेफ्टी तभी इंश्योर कर पाएंगे जब हम स्पीड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कोई कोलिजन ना हो, पैसेंजर सेफ्टी हो, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन का इस्तेमाल जो है लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत सारे एरिया के अंदर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर 5G टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये एंटरटेनमेंट वीडियो से लेकर मेडिकल और इमरजेंसी एक्सेस हो, स्मार्ट डिलीवरी सॉल्यूशन हो, सिक्योरिटी सर्विलेंस हो, इन सब में ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट हो सकते हैं, ये कुछ चीज़ें होंगी जो 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को या एप्लीकेशन ऑफ 5G टेक्नोलॉजी जो है बहुत वाइड रेंज में है, और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे पूरे देश पर, इसका आने वाले टाइम में पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। इसके बाद पेज नंबर 9 पे अगर हम बात करें, बहुत ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे इंडियन आर्मी एक्सपेक्ट कर रही है कि फायर पावर के अंदर बूस्ट मिलेगा, और बहुत सारी आर्टिलरी गन जो है वो इंडियन आर्मी में जो इंडक्शन की जाने वाली है, जिसमें मेंशन किया गया धनुष है, सरांग है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर है, एडिशनल K9 वजर हाउजर है, और एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम जो है ये इंक्लूड करने वाली है। देखो, किसी भी वेपन की टेक्निकल डिटेल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर कुछ आर्टिलरी गन्स के नए मेंशन करे गए हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन जैसे डिफेंस में UPSC में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विस में पर्टिकुलर नाम मेंशन कर दिया कि ये जो वर्ड है M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, ये बेसिकली है क्या, तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसमें कितना इम्पैक्ट करती है, कितने MM की है, वो सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं, कितने कैलिबर की है। हाँ, अगर आप किसी CDS की या फिर अगर आप डिफेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तब ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आपके लिए पर्टिकुलर उसमें एग्जैक्टली टेक्निकल डिटेल्स क्या है वो पढ़ना। इसके ठीक नीचे एक रिपोर्ट आई है कि भारत में जो टाइगर रिजर्व, उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी एक इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर एक सफारी प्रोजेक्ट के लिए 6000 ट्री जो उसको कहीं ना कहीं कट कर दिया गया, इलीगली उनको कट कर दिया गया, और ये रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की। ये अगर हम बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है कि टाइगर सफारी हम बनाएंगे, और टाइगर सफारी की अगर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है, और इसकी वजह से क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसे ऐसे स्टेट हैं जो कि इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिजास्टर्स हमने देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारी नुकसान हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्कस किया गया कि भाई अगर 6000 फॉरेस्ट को इलीगली कट किया जाएगा तो क्या ये जो वल्नरेबल स्टेट है उसके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देश के अंदर अगर हम बात करते हैं, रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिली, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी हम देखने को मिलती है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि देश के अंदर फॉरेस्ट कवर के मामले में दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो होता है हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर, यानी एरिया के हिसाब से, भाई जैसे कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये होगा पहला क्वेश्चन। देखिए कि हाईएस्ट अगर हम बात करें कितना एरिया है वो किस स्टेट के अंदर है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है किस स्टेट के अंदर है। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, ओवरऑल जितनी भी स्टेट की
लैंड है उसके कंपेयर में कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आता है। एक है ओवरऑल जो स्टेट है, ओवरऑल अगर हम भारत में जितने भी स्टेट यूटी देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है वो कौन से स्टेट में, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने एब्सटेन कर लिया अपने आप को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया और रेजोल्यूशन किस चीज़ को लेकर आया था, रशिया ने रीजन में यूक्रेन के जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के कुछ एरिया है उन्होंने उनको अपने यहाँ पर रेफरेंडम करके अपनी कंट्री में, अपनी टेरिटरी में उनको मिला लिया। अब इन सब चीज़ों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है, एक रेजोल्यूशन लाया गया यूएसए और अल्बानिया के द्वारा। अल्बानिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके द्वारा रेजोल्यूशन के अंदर जो लाया गया तो इंडिया ने उसमें अपने आप को एब्सटेन कर लिया कि हम वोट नहीं कर रहे हैं, ना तो हम रशिया के अगेंस्ट हैं ना रशिया के फेवर में है। ये जो एरिया है खेरसन, ज़ापोरोजिया करके, लुहांस्क, डोनेट्स्क, इस पर्टिकुलर एरिया को रेफरेंडम के थ्रू रशिया ने अपने एरिया में या अपनी टेरिटरी के अंदर उसको मिला लिया था, मर्ज कर लिया था। इसको दुनिया भर की जो कंट्री है उन्होंने कहा कि भाई ये तो अगेंस्ट है यूनाइटेड नेशन के चार्टर की भी और सही नहीं है, और इसको लेकर बहुत सारे डाउट भी, क्योंकि ये जो रेफरेंडम हुए उसमें बहुत ही कम पार्टिसिपेशन में वोटिंग हुई है, 3-4% वोटिंग में पार्टिसिपेशन हुआ है। लेकिन कुछ कंट्री ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जैसे चाइना, ब्राज़ील और गैबन, इन्होंने अपने आप को एब्सटेन कर लिया। और क्योंकि रशिया इसमें परमानेंट मेंबर है, उसके पास वीटो है, तो भाई जब रेजोल्यूशन आएगा तो एक वोट से पूरे रेजोल्यूशन को ख़त्म कर दिया। हालांकि अब ये जाएगा यूनाइटेड नेशन के अंदर, वहाँ पर रशिया के अगेंस्ट पास होने की पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। इनके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग ओपिनियन इसमें देखने को मिला। इवन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट सी पोजिशन है, क्योंकि हम ना तो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं ना हम बहुत ज़्यादा फेवर में वोट कर सकते हैं। तो इंडिया एब्सटेन जो है वो जानबूझ कर कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मान लेते हैं हम रशिया के अगेंस्ट वोट कर देते हैं तो हम रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे टर्म्स में नहीं होंगे, और मान लेते हैं हम रशिया के फेवर में वोट करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो इंडिया एक्चुअल में अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से जज कर रहा है, डिसीजन ले रहा है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में भी एक न्यूज़ है इसी एक्सटेंशन को लेकर, क्या इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अंदर कोई चेंज हुआ है या वही कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन करी है यूक्रेन और रशिया की वॉर को लेकर, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अल्बानिया का जिक्र हुआ है, डिस्कशन हुआ है, अल्बानिया के बारे में ज्योग्राफी के लिए देखते हैं कि अल्बानिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है। एक यूरोपियन कंट्री है, 3 इंपॉर्टेंट कंट्री से आपको इसकी बाउंड्री नज़र आएगी लगती हुई, जिसमें ग्रीस है, चार कंट्री है, ग्रीस है, नॉर्थ मैकडोनिया है, कोशोवा है और मॉन्टेनिग्रो है, ये चार कंट्रीज है। और एड्रियाटिक सी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयोनियन सी, इनके बीच में ये एड्रियाटिक सी है, ये आयोनियन सी है, इनके बीच में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको नज़र आती है। अल्बानिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, तिराना करके इसकी जो कैपिटल आपको नज़र आएगी। इसके ठीक राइट हैंड साइड में अगेन डिस्कस किया गया कि क्या यूक्रेन और रशिया को लेकर इंडिया की जो पोजिशन अब तक है क्या उसके अंदर कोई बदलाव आया। रेशन में आपको पता होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर गए, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया रशिया के प्रेसिडेंट के साथ कि भाई ये टाइम युद्ध का नहीं है, ये इरा जो है वॉर की नहीं है। उसको वेस्टर्न मीडिया ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं इंसल्ट कर दिया है या उनको डायरेक्टली वॉर्न कर दिया, और एक तरीके से सेटबैक की तरह उसको कंसिडर किया। वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में तारीफ करे ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। हाँ, भारत की स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या इंडिया ने अपनी पोजीशन बदल ली है, इसका आंसर नहीं। भारत अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में रिपीट करता है, वही चीज़ें हम देखते हैं लगातार। इंडिया रशिया यूक्रेन पर लगभग एब्सटेंट रहा, और रीजन में भारत के जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर गए थे, जब उनसे पूछा गया था कि भाई रशिया ने जो रेफरेंडम करवाया इसके ऊपर आपकी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा था कि वेट एंड वॉच, आप इंतज़ार करिए और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। सबसे पहले इंडिया जो है ये जो वर्ड यूज़ करता है कि हमें सीज फायर की होना चाहिए इसमें, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए और फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न, ये इंडिया लगातार
जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है 24 फरवरी से, तब से हम लोग ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इनके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई कई सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडिया के सामने भी एक प्रेशर है, अगर आप डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात करें तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिक प्रेशर है। और मान लेते हैं कल अगर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है, तो शायद इंडिया के लिए रशिया के खिलाफ वोट करने का जो है वो चांस भी आ सकता है, क्योंकि रशिया के अगेंस्ट इंडिया वोट कर सकता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो अगर 31 दिसंबर तक ऐसा होता है, या फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर, क्योंकि इस कंडीशन में इंडिया के लिए अब्सटेंशन या रशिया के फेवर में वोट करना वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये अपने आप में डेफिनेटली एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। इसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर 6th ईयर, एमपी रैंक्स फर्स्ट अमंग स्टेट। देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का डेटा अभी डिक्लेयर किया गया है, और इसके अंदर ये बताया गया कि देश की इम्पोर्टेंट सिटी और स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो सिटीज़ में मेंशन किया गया अगेन इंदौर जो है मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट सिटी, ये नंबर वन है क्लीनेस्ट सिटी के मामले में। और इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, भोपाल, ये टोटल 6 आपको सिटी नज़र आएगी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये 100 लोकल बॉडी से ऊपर वाले स्टेट यानी बड़े स्टेट में ये है, और छोटे स्टेट में त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड, इन्होंने 1, 2, 3 रैंक जो है वो हासिल किया है। प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि भाई हमें सेग्रीगेशन कैंपेन पर भी फोकस करना चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब होता है आप कूड़े को सेपरेट करिए, आपने कई बार ऐसे डस्टबिन में देखा हो गीला कचरा, सूखा कचरा, ताकि सेग्रीगेशन आसान हो जाए और उसको क्लीनेस्ट सिटी के मामले में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले। आप लोगों के लिए केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन है, जब हम बात करें इंदौर के बारे में, इंदौर लगातार क्लीनेस्ट सिटी है देश की, तो ऐसे क्या रीज़न है कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिला? ऐसे 5-6 क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नज़र आते हैं इंदौर के बारे में, अगर आपने कभी केस स्टडी करी हो, या अगर आप इंदौर से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आप नीचे कमेंट करिए कि वो 5-6 क्या फैक्टर्स हैं जिसमें आपको लगता है कि इंदौर इसीलिए नंबर वन बना हुआ है क्लीनेस्ट सिटी के मामले में, क्या ऐसे फैक्टर जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ आपको नज़र आई, ग्रीस और बुल्गारिया के बीच में पाइपलाइन ओपन करी गई है, और यूरोपियन यूनियन के जो चीफ है उन्होंने कहा कि ये न्यू एरिया की स्टार्ट है। देखो, यूरोप के अंदर इस टाइम पे हम लगातार पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है पीक पर है, एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये कंट्री है, और जब रशिया से इनकी गैस सप्लाई कम हो जाती है तो डेफिनेट सी बात इनके पास अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की जाती है। और ग्रीस और बुल्गारिया के थ्रू अगर आप इंटरकनेक्ट करेंगे गैस को, तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर होगा। रशियन एनर्जी से कट ऑफ करना ये इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, और उसी का रिजल्ट हम देखते हैं कि आज के टाइम पे यूरोपियन कंट्री में ह्यूज इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और इसी इन्फ्लेशन ने वहाँ पर फोर्स कर दिया सेंट्रल बैंक्स को कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाइए, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो ग्रोथ कम हो जाएगी, और ग्रोथ कम हो जाएगी तो एक फेज आएगा रिसेशन, और डेफिनेटली पूरी दुनिया इस टाइम पर रिसेशन या ग्लोबल रिसेशन की तरफ जो है वो बढ़ रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक अफ्रीकन कंट्री के बारे में डिस्कस किया गया, बुर्किना फासो करके, और यहाँ पर एक बार फिर से सेकेंड कूप यानी मिलिट्री के द्वारा जो पावर टेक ओवर की जाती है वो फिर से देखने को मिलता है। और हालांकि इसको लेकर जो वहाँ के जो ऑफिसर, उन्होंने कहा कि भाई जो इस टाइम पे ऑफिसर है, जो इस टाइम पे आर्मी में लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जिहादिस्ट अटैक या फिर लगातार जो वहाँ पर कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे कि टेररिज्म वहीं पर आपको ज़्यादा नज़र आएगा जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटी कम आपको नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल इनस्टेबल कंट्री। हालांकि ये वो कंट्री है अफ्रीका की जो एक तरीके से बहुत ही पुअर कंट्री है, और रेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री यानी एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री आती है। इसके अलावा यहाँ पर यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ें न करें, इसकी वजह से आप जो ऑलरेडी एक पुअर कंट्री है और ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो वो क्रिएट होगी। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, ज्योग्राफिकली क्वेश्चन है, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, इंदौर वाला क्वेश्चन एक केस स्टडी टाइप में, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन है, आपने एक रीजन पढ़ा होगा साहेल रीजन करके, SAHEL साहेल रीजन, इस साहेल रीजन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और
ये जो है नोट कर लेना बुर्किना फासो, क्योंकि 2022 के प्री में एक सवाल आया था, कुछ कंट्रीज का नाम दिया था कि उनमें क्या हुआ, जैसे लेबनान है, चाड है, इस तरीके से कुछ कंट्री मेंशन करी गई थी। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि भाई क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इसके ठीक राइट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं कि भाई एक छोटी सी न्यूज़ है, फिनलैंड और स्वीडन दो कंट्री जो यूरोप की कंट्री है, ये कई बार न्यूज़ में रहती है। ये न्यूज़ में इसलिए भी क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ने अनाउंसमेंट किया था कि वो नाटो मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे, लेकिन नाटो मेंबरशिप को ज्वाइन करने में टर्की थोड़ा नाराज़ रहता है। उन्होंने कहा कि भाई ये जो नॉर्डिक कंट्री है ये मेंबरशिप ज्वाइन करे दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको प्रोमिसज़ को कम्प्लीट करना पड़ेगा। और टर्की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है कि भाई कोई कुर्दिश मिलिटेंट का एक कुर्दिश एक एथनिक ग्रुप है जो आपको वेस्टर्न एशिया में खासकर इस टर्की, इराक, ईरान, इस वाली बेल्ट, सीरिया, इस वाली बेल्ट में आपको नज़र आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो इनको शरण दे रहे हैं और जिसकी वजह से टेररिज्म प्रमोट हो रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में टर्की जो है वो स्वीडन और फिनलैंड की जो मेंबरशिप है, क्योंकि टर्की खुद नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है या यूएसए लेड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक तरीके से यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री उसमें ज़्यादातर इंक्लूड है वो, या यूरोपियन कंट्री भी क्योंकि अलग अलग कंट्री फैला हुआ है, तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में टर्की इंपॉर्टेंट पार्ट है और टर्की उसको ब्लॉक कर सकता है या उसको चैलेंज करता है। इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके बाद पेज नंबर 13 पे जो साइंस का टॉपिक है, इसमें कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे चाइना के अंदर हीट वेव जो है उनका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट चाइना के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया कि बहुत सारे जो लोग खासकर 360 मिलियन पीपल जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, सीवियर ड्राउट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वाइल्ड फायर लगातार वहाँ पर देखने को मिलती है, और यंगचे जो रिवर है बेसिन है वहाँ पर भी एक तरीके से ड्राई जैसी चीज़ें हो या उसका एरिया जो है या उसका जो वाटर लेवल वो कम हो रहा है, ये इंडिकेट करती है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो चाइना ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा है। तो चाइना ने जो एक आर्टिफिशियल गुब्बारा क्रिएट किया था कि हम दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, लेकिन वो गुब्बारा फूटने वाला है। रीज़न मैं बताता हूँ कि चाइना की इकोनॉमी जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर के ऊपर बेस्ड है जिसमें अगर वो दिक्कत हुई तो चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स करना शुरू कर देती है। चाइना में जो सबसे बड़ी इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम देखते हैं इसमें रिडक्शन होता है तो चाइना की इकोनॉमी भी कोलैप्स करना शुरू करती है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाती है। दूसरा यहाँ पर जो आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, और आपने पढ़ा होगा कि एवरग्रांड एक क्राइसिस हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ सेक्टर जिसकी वजह से इनके ऊपर कई सारे चैलेंजेस ये देखेंगे। इसके ठीक नीचे एक मिशन के बारे में बात किया गया, स्पेस मिशन है जो कि मार्स मिशन है, और चाइना का जुरोंग मिशन इसको बोला जाता है। बेसिकली स्टडी कर रहे हैं मार्स को लेकर, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, लेयर्ड पैटर्न सरफेस पे, और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में इंडिकेशन करते हैं। और ये बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन ईयर पहले जो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो मेजर फ्लड जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कई तरह की रॉक्स होती है, मेजरली थ्री टाइप्स की रॉक होती है, सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, और इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये तीन मेजर टाइप्स की रॉक्स है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके ठीक अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पर ये बताया क्योंकि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंड नट्स के मामले में, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब 1800 के आसपास शुरू होती है तब से लेकर जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, फास्फोरस, ओजोन, ये सारी चीज़ें एटमोसफेयर के अंदर इंक्रीज हुई और अर्थ के क्लाइमेट को ये कम्प्लीटली चेंज कर रही है। भारत के मामले में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया की 70% पॉपुलेशन तो गांव में रहती है और गांव में मेन पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और इंडिया जो कई सारे एरिया के अंदर सेकेंड नंबर पर आता है, तो हम लोग कैसे फार्मिंग सेक्टर में कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक व्यक्ति कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, उसको हम लोग एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंड, क्या अल्टरनेट हो सकते हैं एग्रीकल्चर को, कैसे हम लोग एक तरीके से कार्बन इंटेंस या कार्बन प्रोड्यूसिंग के जरिए कार्बन को रिड्यूस करने वाली एक सेक्टर बना सकते हैं, जैसे
अगर हम बात करें कि डीजल पंप की बजाय हम लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें जो वो की जा सकती है। इसके अलावा कई बार एक डिबेट होती है कि वाटर इंटेंस क्रॉप की जगह जो कम वाटर इंटेंस क्रॉप्स है उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं मीट इंडस्ट्री के मामले में, चिकन इंडस्ट्री के मामले में, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है, या फिशिंग सेक्टर में एक तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, सेकंड जो है क्योंकि फिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये हेल्प करेगा न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने में भी। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चिकन पर, मीट पर, इनको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा और ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को जो है ये रिड्यूस करने का काम करेगा। इसके बाद FAQ या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जो दो तीन टॉपिक डिस्कस किए गए ये रिपीट मोड पे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अबॉर्शन राइट प्रोवाइड किया है, यानी अनमैरिड वुमेन को मैरिड वुमेन के जो पैरेलल रखा गया है, उसमें क्या कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया गया, तो रिपीट में है। अभी PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो को बैन किया गया उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। इसके अलावा चाइना में जो पार्टी कांग्रेस होगी या वहाँ की एक मीटिंग होगी उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमी का एक ही पेज है 16 नंबर, जिसमें ब्रीफ में कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पर डिस्कस किया गया कि रिसेंट में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने एक पॉजिटिव मैसेज सेंड किया है पूरे देश में। और पहले ये एक तरीके से एलिगेशन लगता था कि इंडिया के अंदर जो है वो 70% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो विड्रॉ कर गए, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, दो तरह के इन्वेस्टर ज़्यादातर होते हैं, एक होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनको बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और एक होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है किसी स्टेक के अंदर हिस्सेदारी रखते हैं, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई विजिबली आपको इन्वेस्टमेंट आपको नजर आएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर विड्रॉ कर रहे थे वो वापस कंट्री में आ रहे हैं, और ओवरऑल हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप की इरा के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे मर्जर और एक्विजिशन देखने को मिलेंगे, और मर्जर्स में मेनली बैंकिंग मर्जर्स ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक्विजिशन के बारे में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जब पूरी दुनिया में स्ट्रेस है तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेबल पोजिशन के अंदर है। उसके पीछे दो फैक्टर है, पहला इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व पर्याप्त है, और सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है डायरेक्टली जो है ग्लोबल इकोनॉमी से कपल नहीं है, यानी हम डीकपल्ड इकोनॉमी है, यानी ग्लोबल इकोनॉमी की एक्टिविटी का इंडिया पर इम्पैक्ट तो पड़ता है, बट इतना नहीं कि हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। जैसे कि बहुत सारी कंट्री एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, हम लोग कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे ज़्यादा तो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी का एक तरीके से फैक्टर्स है। आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।